ओके सो गाइस, अब हम देख लेते हैं सोर थ्रोट। ठीक है, कि सोर थ्रोट का पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपने क्या उससे पूछना है। कुछ चीज़ें आपने उससे पूछनी होती हैं एंड कुछ चीज़ें आपने उसकी असेस करनी होती हैं, आपने देखनी होती है, आपने फील करनी होती हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें आपने उससे पूछनी है, मतलब वॉट यू हैव टू आस्क फॉर एंड वॉट यू हैव टू लुक एंड फील इन द पेशेंट। ठीक है, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। तो आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या बच्चे को सोर थ्रोट है, उसका गला ख़राब है। ठीक है, ये आपने उससे पूछ लिया। ठीक है, इसके अलावा आपने उससे पूछना है कि क्या वो पानी पी सकता है या कोई भी चीज़ जो है वो पी सकता है। ठीक है, फिर आपने उससे पूछ लेना है कि क्या उसको बुखार है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने उससे पूछने हैं। आपने उससे गला ख़राब के बारे में पूछना, आपने उससे पूछना है कि क्या वो कुछ पी सकता है। ठीक है, फिर आप उससे पूछेंगे कि क्या उसको बुखार है। ठीक है, देन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने असेस करनी होती हैं उसकी। तो उसमें आ जाता है कि आपने उसको देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि क्या उसको फीवर या टेम्परेचर है, बुखार है। ठीक है, अगर तो उसका बुखार वो 37.5 या उससे ज़्यादा है तो इट कैन इंडिकेट दैट देयर इज़ एन इन्फेक्शन इन द सोर और इन द थ्रोट और देयर इज सोर थ्रोट। ठीक है, सो 37.5 डिग्री या उससे ऊपर, ठीक है, का फीवर कैन बी सीन इन सच पेशेंट्स। इसके अलावा आपने ऐसे पेशेंट्स की जो नेक है ना, उसकी फ्रंट को फील करना है। वहाँ पे अगर लिम्फ नोड्स जो हैं दे आर इनलार्ज्ड, तो अगेन इट कैन बी अ केस ऑफ सोर थ्रोट। ठीक है, अगर आपके पास जो पेशेंट आया है या बच्चा आया है, उसके गले के सामने वाले जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज्ड हैं। ठीक है, सो इट कैन इंडिकेट सोर थ्रोट। ठीक है, इसके अलावा आपने टॉन्सिल्स देखने हैं। ठीक है, सो टॉन्सिल्स अगर इन्फ्लेम्ड हैं, दे आर रेड, ठीक है, एंड दे आर इनलार्ज्ड, दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट सोर थ्रोट। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि क्या कोई एक्जुडेट तो नहीं है ऑन द थ्रोट। ठीक है, यू वुड लुक फॉर एक्जुडेट ऑन द थ्रोट। ठीक है, सो ये वो चीज़ें थी जो आपने देखनी है बच्चे में और फिर फील करनी है। ठीक है, देन हाउ वुड यू क्लासीफाई सोर थ्रोट। सो अब हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका IMNCI का टेबल होता है। एंड सबसे पहले तो आपने देखना है कि अगर बच्चे में कोई साइंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर बच्चे में कोई साइंस सोर थ्रोट के प्रेजेंट नहीं है, या फिर अगर उसमें साइंस तो हैं बट देट आर नॉट enough signs, ठीक है, there are not enough signs to classify as throat abscess or streptococcal sore throat, ठीक है, या तो बिल्कुल signs नहीं है या signs हैं लेकिन इतने enough नहीं है कि आप उसको label करें that there is a throat abscess या फिर there is any streptococcal sore throat, ठीक है। उसके बाद आपके पास केस आ सकता है कि मतलब बच्चा है, उसको फीवर है, ठीक है, या फिर उसको सोर थ्रोट है, एंड उसको अब जो नीचे मैं साइंस बताऊंगी ना, उनमें से कोई से दो साइंस उसके अंदर साथ इन दोनों के नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, लाइक उसमें टेंडर इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स हो सकते हैं ऑन द नेक। इसके अलावा उसके अंदर कौन सा साइन हो सकता है कि उसके जो टॉन्सिल्स हैं दे आर इनफ्लेम्ड, दे आर रेड, दे आर इनलार्ज्ड। ठीक है, मतलब जो ऊपर ये जो चार साइंस हमने बात की थी ना, इनमें से अगर ये लिम्फ नोड्स वाला और ये टॉन्सिल्स वाला है ये है और साथ बच्चे को फीवर और सोर थ्रोट भी है, ठीक है, तो फिर आप लेबल कर सकते हैं दैट द पेशेंट हैज स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। इस केस को आप लेबल कर सकते हैं एज स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। ठीक है, फिर आपके पास अगर केस है कि सोर थ्रोट है एंड द बेबी और द चाइल्ड इज नॉट एबल टू ड्रिंक, सोर थ्रोट है उसको, ठीक है, प्लस ही इज नॉट एबल टू ड्रिंक, ठीक है, तो ऐसा बच्चा जो है इट इज़ अ केस ऑफ थ्रोट एब्सेस। ठीक है, दिस चाइल्ड has throat abscess
अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो हमने इस तरह से क्लासीफाई किया कि अगर कोई बच्चा आया है लेकिन उसमें कोई साइंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब है उसको कोई भी थ्रोट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन अगर बच्चा आया है लेकिन उसके अंदर इतने इनफ साइंस नहीं है कि आप उसको लेबल करें एज थ्रोट एब्सेस या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, तो फिर आप कहेंगे कि दिस इज़ अ केस ऑफ वायरल सोर थ्रोट, ठीक है, इट इज़ अ केस ऑफ वायरल सोर थ्रोट, ठीक है। लेकिन अगर उस बच्चे में एक बच्चा आया है और उसमें फीवर सोर थ्रोट है, ठीक है, और साथ में ये दो साइंस भी हैं, मतलब इनलार्ज टेंडर उसके लिम्फ नोड्स हैं ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ नेक, ठीक है, और साथ में उसके जो यहाँ जो फ्रंट ऑफ नेक है वहाँ पर इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड्स, और साथ में उसके टॉन्सल्स भी जो हैं दे आर इन्फ्लेम्ड, दे आर रेड, दे आर इनलार्ज, तो फिर इस केस को आप लेबल करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, ठीक है। एंड अगर सोर थ्रोट बच्चे को है, बच्चा सोर थ्रोट के साथ आपके पास आया है लेकिन वो पानी नहीं पी सकता या कोई भी चीज़ फ्लूड वो नहीं पी सकता, तो दिस इज़ थ्रोट एब्सेस। तो पहला केस वो था कि मतलब जिसमें थ्रोट कोई भी थ्रोट प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे जिसमें कोई साइंस नहीं थे सो ऑब्वियसली उसमें कोई थ्रोट प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास था जिसमें कोई इनफ साइंस नहीं है, पहला केस था मतलब बिल्कुल भी कोई साइंस नहीं है, देन सेकंड था कि मतलब इनफ साइंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कि आप उससे लेबल करें एज स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट और एज थ्रोट एब्सेस, तो फिर इट इज़ अ केस ऑफ वायरल सोर थ्रोट, मतलब उसमें साइंस हैं, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि आप उसको कोई थ्रोट एब्सेस या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट लेबल करें, तो आप ऐसे केस को वायरल सोर थ्रोट जो है उसमें क्लासीफाई करते हैं। फिर थर्ड था जिसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट देखा, ठीक है, एंड फोर्थ वाज थ्रोट एब्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको किस तरह से आप मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस केस में कोई एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वायरल सोर थ्रोट के केस में आपने क्या करना है, आपने सेफ सूदिंग रेमेडी देनी है फॉर सोर थ्रोट, ठीक है, सोर थ्रोट के लिए आपने सेफ सूदिंग रेमेडी दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा आप पैरासिटामोल पेशेंट को देंगे, ठीक है, फॉर हाई फीवर और पेन, ठीक है, क्योंकि फीवर और पेन के साइन इन पेशेंट में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने मदर को एडवाइस करना है कि किन सिचुएशंस में उसको फ़ौरन से वापस बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना है, ठीक है, तो आपने मदर को एडवाइस कर दिया। इसके बाद आपने फोर्थ जो चीज़ बतानी है वो फॉलोअप की बतानी है कि कब फॉलोअप के लिए उन्होंने आना है। सो फॉलोअप जो होना चाहिए इट शुड बी इन 5 days इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट इम्प्रूविंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का केस है ना, अब क्योंकि ये यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एंटीबायोटिक शुरू करा देंगे। आपने देनी है पेशेंट को बेंजीथीन पेंसिलिन, ठीक है, या आप एमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं, बेंजीथीन पेंसिलिन देंगे या आप एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप देंगे, ठीक है। और फिर वही आपने जैसे यहाँ पे पैरास्टामोल दी थी वायरल सोर थ्रोट, यहाँ पे भी आप पैरास्टामोल दे सकते हैं टू रिलीव हाई फीवर या पेन, इसलिए आपको अपने मदर को यहाँ पे भी एडवाइस करना है और फॉलोअप का यहाँ पे भी कहना है, ठीक है, और सेफ सूदिंग रेमेडी का यहाँ पे भी उसको कह देना है, ठीक है। इसके बाद थ्रोट एब्सेस वाली कंडीशन है, तो थ्रोट एब्सेस में आपने सबसे पहले देनी है फर्स्ट डोज ऑफ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, ठीक है। सो एंटीबायोटिक की आपने फर्स्ट अप्रोप्रिएट डोज दे देनी है पेशेंट को। फिर आपने चाइल्ड को ट्रीट करना है टू प्रिवेंट लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, आपने उसका लो बीपी जो है उसको प्रिवेंट करना है। देन आपने उसको फर्स्ट डोज देनी है ऑफ पैरासिटामोल, फर्स्ट डोज आपने पैरासिटामोल की भी दे देनी है फॉर हाई फीवर एंड पेन्स ऑब्वियसली, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने उसको अर्जेंटली रेफ़र कर देना है टू हॉस्पिटल, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स हैं दे आर सीरियस, ठीक है, मतलब उनको सोर थ्रोट भी है एंड ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू ड्रिंक, मतलब उनका कोई थ्रोट एब्सेस बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपने उनको फ़ौरन से रेफ़र कर देना है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सोर थ्रोट। अब हम देख लेते हैं ईयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार बुक से दिखा देती हूँ, ये देखें आप यहाँ पे, ये है आपके पास अबाउट सोर थ्रोट, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने नो साइंस वाला बताया जिसमें कोई थ्रोट प्रॉब्लम नहीं है,
इट इज़ इन ग्रीन, ठीक है, मतलब आप घर पे भी उसको मैनेज कर सकते हैं। देन येलो वाला जो आप ओपीडी में केसेस लेके आ सकते हैं और लाने होते हैं आपने, जिसमें वायरल सोर थ्रोट एंड स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट था, और वो मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है सवेयर केस, जिसको आपने रेफ़र करना होता है, मतलब अगर कोई थ्रोट एब्सेस है जिसमें बच्चा जो है उसको सोर थ्रोट भी है और वो कुछ पी भी नहीं सकता, ठीक है। सो आई होप आपको ये सोर थ्रोट क्लियर हो गया।